वेलकम टू इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। इंग्लिश एजुकेयर डेस्क पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ आउटलाइन विथ सिनोनिम्स एंड एग्जांपल्स। इंग्लिश में एक शब्द है आपका आउटलाइन, outline, आउटलाइन। तो इस वीडियो में आउटलाइन का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है जानेंगे, और इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स क्या आते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे। एग्जांपल जो होगा आउटलाइन का, उसी एग्जांपल में हम इसके सिनोनिम्स को प्रयोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए आउटलाइन का अर्थ होता है, मतलब होता है सार, सारांश, संक्षेप, रूपरेखा, सरसरी या खुलासा। किसी चीज का खुलासा होता है, संक्षेप विवरण होता है, उसी को हम बोलते हैं आउटलाइन। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं समरी, सिनॉप्सिस, स्केच, समअप। अब चलिए आउटलाइन को एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसके सिनोनिम्स को उसी एग्जांपल में प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेंगे He has come up with the outline of a plan. वह एक योजना की रूपरेखा लेकर आए हैं। He has come up, वह आए हैं with the outline of a plan, एक योजना की रूपरेखा लेकर के। अब चलिए इसी सेंटेंस में इसके सिनोनिम्स को प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे He has come up with a summary of a plan. He has come up with a synopsis of a plan. He has come up with a sum up of a plan. He has come up with a sketch of a plan. तो सबका अर्थ और मतलब होगा सार, सारांश, संक्षेप, रूपरेखा, सरसरी, खुलासा। मतलब वो एक योजना के सार, सारांश या संक्षेप, रूपरेखा, सरसरी, खुलासा लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसमें बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।